डे एट। ईशवाणी टेलीविजन के माध्यम से आज आपके सामने पुनः हम प्रस्तुत कर रहे हैं आगमन की तैयारियां, और आज का हमारा मनन चिंतन का विषय है भलाई। लोगों के लिए जीवन में भलाई का एक अपना ही महत्व है। यदि हम बड़े बड़े लोगों के जीवन, जो कई लोकप्रिय लोग हैं, उन पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं लोगों ने अपने जीवन में दो प्रकार से नाम कमाया है। पहला पैसा कमा के और दूसरा लोगों की भलाई कमा के। यह चीज सकारात्मक है। अवश्य आपके हृदय में यह भी बात उठ रही होगी कि लोगों ने अपना नाम खराब करके भी नाम ऊंचा किया है, परंतु वह नकारात्मक बातों को दर्शाता है। हम सिर्फ सकारात्मक बातों पर विचार कर रहे हैं। हम प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन से क्या सीखते हैं? उनके जीवन में सबसे पहले भलाई ही शुरू हुई। उन्होंने बचपन से लेकर अपनी युवा अवस्था तक हमेशा लोगों की भलाई की। उनके हृदय में उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था कि हर किसी के जीवन में अच्छाई हो, क्योंकि वह स्वयं अच्छाई से उत्पन्न थे, वह सच्चाई थी, और इसीलिए हमें भी उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। यदि हम जिसे मानते हैं तो हमें उनके कार्यों को भी मानना है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने भलाई की, माता मरियम ने भलाई की। माता मरियम ने भी लोगों के लिए प्रभु से प्रार्थना की कि इन लोगों की मदद करें। वही प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्मोत्सव की जब हम तैयारियां कर रहे हैं, हम अपने जीवन में भलाई को स्थान दें। हमारे आसपास कई ऐसे लोग हैं जो इस क्रिसमस पर्व में हमारी और बड़ी ही आशा और उत्सुकता के साथ देखते हैं कि हम उनके लिए क्या करने जा रहे हैं। अवश्य ही यह हमारे लिए तैयारी का समय है, परंतु दूसरों के लिए भी यदि हम भलाई के कार्य करते हैं, वह भी हमारी ही आध्यात्मिक तैयारी को एक प्रकार से मदद प्रदान करता है। जब हम हमारे आसपास देखेंगे, आपको कई ऐसे लोग दिखेंगे जिनके पास ना तो कपड़े होंगे, ना भोजन होगा, ना ही उत्साह के लिए कोई कारण। परंतु इन दिनों में, आने वाले दिनों में, ना केवल प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्मोत्सव के दिन, बल्कि इन तैयारियों के दिनों में भी हम किसी ना किसी रूप से यदि प्रत्येक दिन एक छोटा सा भलाई का कार्य करें। मैं नहीं कह रहा बड़े बड़े कार्य पैसों के द्वारा, नहीं, छोटे से छोटे कार्य भलाई के, वह भी लोगों में एक उत्साह का कारण बनेगा। तब हमारे सच्चे अर्थों में तैयारी पूर्ण होने लगेगी कि हम उस मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त के दर्शन अच्छे से कर पाएंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त ने सबके लिए जन्म दिया है, परंतु वही प्रभु यीशु क्रिस्त हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं इस बात से कि हम सभी भी उन खुशियों के माध्यमों का एक अंग बन जाएं जो प्रभु यीशु क्रिस्त लाए हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त की खुशियां हम ग्रहण करें और हमारे द्वारा ही उसी प्रभु यीशु क्रिस्त की खुशियां हमारे आसपास रहने वाले लोग भी ग्रहण कर सकें, और इसी भलाई के कारण हम प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए और अधिक खुशियों का स्रोत बनने के लायक बन पाएंगे।